Hello students, how are you? Today we are taking these two topics. First is dual behavior of matter and the another is Heisenberg's uncertainty principle. Let's start. We know that electron has a wave nature. So every moving particle has a wave nature, and this was proposed by the scientist de Broglie. उसने ऐसे बताया थी कि मेनी ईयर्स से हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि लाइट हैज अ वेव नेचर, लेकिन फिर बाद में हमने प्रूव किया कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो. सिमिलरली द पार्टिकल्स मतलब द कंपोनेंट्स विच आर हैविंग अ पार्टिकल नेचर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पार्टिकल होता है. तो उसने ऐसा फाइंड आउट किया था, उसने ऐसा प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अ वेव नेचर ऑल्सो. नेक्स्ट, तो ये फंडामेंटल उसने यूज किया था कि ये पार्टिकल नेचर है और ये वेव नेचर. चलो, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली. इन अ क्रिकेट मैच अ बॉल इज थ्रोन बाय द बॉलर, ओके, सो इट इज ऑल्सो इन अ मूविंग पोजिशन. सिमिलरली अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज इट रिवॉल्व्स अराउंड on its axis also. So, here these are the particles, these are the matters which are showing the wave and particle nature both. So, here we see electrons continuously rotate. Hote hain. Okay, similarly ball, similarly earth. So, unka bhi wave nature hona chahiye. To uske liye de Broglie ne ek formula diya, lambda equals h upon mv. This mv is a multiplication of mass and volume, so it can be said momentum p also. अब ये प्रूव कैसा है? तो सन में से जो लाइट मिलती है तो उसके लिए फॉर्मूला e equals h nu, where h is our Planck's constant and nu is frequency. Similarly, अगर अर्थ में से आपको फोटोन मिलते हैं तो आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दिया था e equals mc square, where m is mass of photon and c is velocity of light. Okay, तो अगर दोनों को हम अगर हम कंबाइन करें तो e equals h nu और e equals mc square, तो ओवरऑल हमें मिलेगा h nu equals mc square. Okay, और फिर nu equals अगर हम c by lambda लिखे तो ये एक c कट हुआ और lambda को सब्जेक्ट बनाए तो ये होगा lambda equals h upon mc, where c is velocity of light. तो यहाँ पे हम v भी लिख सकते हैं. Okay, so this is for the photon. So here c is written. If we take for the tiny particles which are moving object, तो उसके लिए हम v लिखते हैं, velocity of that particle. Okay, where v is the velocity of that material particle. Okay, c की जगह पे हमने यहाँ पे So final formula is obtained, lambda equals h upon mv, and it is known as de Broglie's equation. Next, h is Planck's constant, iski value fixed hai, and p is the momentum of the material particle, that is mv. Okay, so both of the formula are derived now. तो ये जो formula है lambda equals h upon mv, तो उसमें lambda और m दोनों inversely proportion है, मतलब जिसका mass ज्यादा होगा उसकी wavelength कम होगी. तो देख लो यहाँ पे man, then b, then small particles, उससे भी small particles, then molecules, okay, यहाँ पे nucleus और फिर स्मॉल पार्टिकल्स. तो जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे, वैसे वैसे देख लो ये ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज होता जा रहा है, तो मतलब उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी. ओके, नेक्स्ट, वैसे इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग पार्टिकल, वी नो दैट. ओके, तो उसका वेव ऐसे मिलता है. और अगर मैंने क्रिकेट बॉल लिया तो देखो उसकी ज्यादा मिलती है यहाँ पे. ओके, सो अर्थ
या तो फिर क्रिकेट बॉल, तो उसके लिए हम ये लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका रीजन ये है, ये क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उस वक्त हमें लैम्डा की वैल्यू बहुत कम मिलती है और वो लैम्डा हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई। चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन सोर्स हमने लिया, एक्सिलरेटिंग एनोड लिया, तो उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, और फिर थिन गोल्ड फूल में से अगर पास किया तो वो डिफ्रेक्टेड बीम हमें मिलेगा, देख लो ओके, और वो सर्कुलर पाथ में हमें मिलता है। तो ये प्रिंसिपल, मतलब जो मूविंग पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की, तो उससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रिपेयर हुआ है, जिससे हम वेरी स्मॉल पार्ट्स बिग स्क्रीन में देख सकते हैं। देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है ओके, लाइक वायरस या तो फिर कोई भी स्मॉल पार्टिकल हम इजिली देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वर्नर हाइजेनबर्ग, उसने ये प्रिंसिपल दिया था कि वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ओके। तो अगर हमें, अगर उसको हम फोटोन प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी ओके। तो इस बेस पे उसने ये फाइंड आउट किया था रूल दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एंड द एक्यूरेटली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ द स्मॉल पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मुझे एग्जैक्ट पोजिशन फाइंड आउट करनी है कि पर्टिकुलर टाइमिंग पे इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, तो उसकी पोजिशन हम इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो अगर पोजिशन अगर हम फाइंड आउट करने जाए तो उस टाइम उसका मोमेंटम हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, और अगर हम मोमेंटम एग्जैक्टली फाइंड आउट करने जाए तो उस टाइम पे उसकी पोजिशन हमें परफेक्ट नहीं मिलेगी। मतलब दोनों अगर हमें एक्यूरेटली फाइंड आउट करने हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे दोनों फाइंड आउट हो सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम दैट कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय एनी मेथड। सो दिस वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट दिस हाइजेनबर्ग। तो उसका रीजन क्या है अभी हम देखते हैं आगे। मैथमेटिकली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। डेल्टा एक्स इज अनसर्टिनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी एक्स इज अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम एंड एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। चलो इसकी वैल्यू तो पता है, अनसर्टिनिटी मतलब उसकी पोजिशन में जो भी हमें एरर मिलती है वो, मोमेंटम मतलब उसमें जो एरर मिलती है वो, और फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, मिनिमम होगा एच अपॉन फोर पाई, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन एच अपॉन फोर पाई से कम कभी भी होगा नहीं। नेक्स्ट, सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। चलो ये हमें पता ही है। अब डेल्टा पी, पी इज एम वी, पता है स्टूडेंट्स हमें P equals mv, और अगर हम m constant रखे तो वो m बाहर आ जाएगा, so m delta vx greater than equal to h upon 4 pi m होगा okay? और यहां पे delta v होगा uncertainty in velocity। अब यहां पे delta x multiplied by delta mvx greater than equal to h upon 4 pi, और यहां पे नीचे फाइनली हमें डेल्टा वी एक्स मिलेगा एच अपॉन फोर पाई एम, और जो डेल्टा एक्स मल्टीप्लीकेशन में था सामने जाएगा तो वो डिविजन में आ जाएगा ओके। नेक्स्ट, यहां पे डेल्टा वी एक्स और डेल्टा एक्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, तो अगर आपको वेलोसिटी ज्यादा मिलती है, मतलब वेलोसिटी आपको परफेक्ट मिलती है, तो उस टाइम पे डेल्टा एक्स आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा,
आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, ओके okay? तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करने जाते हैं तो डेल्टा एक्स नहीं मिलता, अगर डेल्टा एक्स फाइंड आउट करने जाते हैं तो डेल्टा वी एक्स आपको नहीं मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है इसका फंडामेंटल। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एच ओपन फोर पाई, ये फॉर्मूला है। तो ये दोनों टर्म डेल्टा एक्स और डेल्टा वी, वो दोनों एम मतलब मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ दैट पार्टिकल, दोनों से इनवर्सली प्रोपोर्शन में होंगे, देख लो। तो इससे क्या होता है, चलो हम देखते हैं। अगर हम मास ज्यादा लेते हैं तो इन दोनों की अनसर्टिनिटी का मल्टीप्लीकेशन हमें कम मिलेगा, और मास अगर हम कम लेते हैं तो अनसर्टिनिटी आपको ज्यादा मिलती है। चलो सपोज हमने एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया, सपोज उसका मास है 10^-6 किलोग्राम। तो अगर हम इस फॉर्मूला में मास सब्सिट्यूट करें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स वो मिलेगा। चलो एच की वैल्यू हमें पता है 6.626 × 10^-34 जूल इंटू सेकेंड, 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1416, और मास हमने सपोज लिया 10^-6 किलोग्राम, ओके। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ये हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 10^-27 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। तो ये जो हमें मिलती है वो बहुत कम मिलता है, सो इट इज इनसिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी, बहुत कम है ये 10^-27, रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर भी नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। और अगर हमने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया लाइक इलेक्ट्रॉन, तो चलो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 × 10^-31 किलोग्राम। तो अगर हम ये सब्सिट्यूट करें यहां पे मास, तो हमें मिलेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इक्वल 6.626 × 10^-34 जून सेकंड डिवाइडेड बाय 4 3.1416 अगेन, और यहां पे हम मास ले रहे हैं कितना, दिस 9.1 × 10^-31 kg। तो ये मल्टीप्लीकेशन हमें मिल रहा है 10^-5, और ये मल्टीप्लीकेशन वाली जो वैल्यू है वो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट कर पाएंगे इजिली। तो ये सिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी है, देख लो यहाँ पे -27 था -5 था, सो दैट दिस हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू द मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अर्थ एंड द क्रिकेट बॉल, ओके स्टूडेंट्स। ये हम याद रखेंगे। अब देखो हमें अनसर्टिनिटी सपोज फाइंड आउट करनी है तो हम करेंगे कैसे, तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ है और इसकी हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो सपोज हमने यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन यहाँ पे पास की है, जिससे क्या होगा कि वो फोटोन तो रिफ्लेक्ट होंगे और माइक्रोस्कोप से हमें दिखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ये न्यू पाथ मिल जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापिस उसी पाथ पे रोटेट नहीं करेगा। तो एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, लेकिन अब ये हो जाएगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, मतलब फोटोन जैसे ही हमने यहाँ पे इंसिडेंट किए तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और फिर वो उसका नया पाथ हो जाएगा। तो हमें फिर फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, अगर हम परफेक्टली उसका वेलोसिटी अगर मेजर करते हैं। दैट मीन्स रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन डायमेंशन देन हाई मोमेंटम ऑफ फोटोन, मतलब ये जो फोटोन होगा उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, सेम लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एमवी फॉर्मूला, ओके। दैट्स व्हाई डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, और ये मल्टीप्लिकेशन आता है 10^-4, और वो हम इजीली मेजर कर पाते हैं। अगर हम डेल्टा एक्स अनसर्टिनिटी इन पोजीशन ले रहे हैं 10^-8, तो यहां पे 10^-8 और डेल्टा वी एक्स को सब्जेक्ट बनाए तो ये 10^-4 हमें मिला आगे डिवाइडेड बाय 10^-8, तो मल्टीप्लीकेशन से हमें मिलेगी वेलोसिटी मिलेगी 10^-4 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हम इजिली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इट इज सिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी। अब बोर्स ऑर्बिट कैन नॉट रिटेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द गिवन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी इक्वल्स 10^-4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देख लो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट होता है, तो बोर मॉडल यहाँ पे वायोलेट लुक हो रहा है, ओके। तो जैसे जैसे माइक ओरिजिनल पाथ है देख लो,
इंसिडेंट फोटोन है ये, माइक्रोस्कोप से हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका ये रिफ्लेक्शन हुआ, अब ये हमें नया पाथ मिल गया, एक्सपेक्टेड पाथ ये था। तो इससे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो पहले ये थी और उसके बाद ये हो गई, तो फिर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो बोहर्स मॉडल यहाँ पे क्यों फेल्योर हुआ, फर्स्ट इज इग्नोर्स द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब उन्होंने ऐसा ही बताया था कि मैटर का तो ऑलवेज पार्टिकल नेचर ही होता है लेकिन उसका वेव नेचर भी होगा, तो ये यहां पे इग्नोर हुआ था। एंड सेकेंड इज कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करता है वैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि यहां पे सपोज न्यूक्लियस है मिडल पे, तो इलेक्ट्रॉन की ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो सब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐसा रीजियन ले कि वहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूविंग होता है वैसे ही हमें ये डॉट्स मिलते हैं, डॉट्स इंडिकेट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके देख लो, तो फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये एक्सप्लेन हुआ कि इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, दिस रीजियन इज नोन एज ऑर्बिटल ऑफ दैट एटम। तो डी ब्रोगलीज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे हैं। ओके अब देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा माना गया है कि मैक्रोस्कोपिक अगर जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा जिससे वो कहीं पे भी होगी तो वो नीचे आ जाएंगे, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है तो मतलब यहां पे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर ये यहां पे वायोलेट हो रहा है। सेकेंड, बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये भी यहां पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या फाइंड आउट होता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये फाइंड आउट होता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, वेव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव होता है ऐसे ये मेजर करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, पार्टिकल होगा तो सर्कुलर पाथ में होगा और वेव लाइक होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट होगा, मतलब उसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये एक्सप्लेन हुआ है, तो ये पार्टिकल नेचर और ये वेव नेचर। अब वर्नर हिंसबर्ग और इरविन स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दिया था, इक्वेशन इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स जीरो। ओके यहां पे एक्स वाई जेड तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, साय ये आपके लिए नया है। ओके साय उसका कोई फिजिकल नेचर नहीं है, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट साय इट इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल एनर्जी, साय वेव फंक्शन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वी याद रखना है आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and E is the total energy of electron, and x, y, z indicates the displacement of the electron along x, y and z axis, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 3D में है तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में सपोज ये एक हम पाथ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे दिखेगा, देख लो, तो ये जो अपर पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे ये कांस्टेंट है, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज ए, दिस वन इज अ वेवलेंथ, दिस वन इज आल्सो ए, तो साई का
फॉर्मूला हुआ ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये स्टैंडिंग वेव है इसलिए। यहां पे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इनटू ई माइनस वी इनटू साई इक्वल्स 0। यहां पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एक एच कट साई इक्वल्स ई साई वेयर ई इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम दैट इज अवर ई। नाउ स्टूडेंट्स सपोज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में है तो देखो वो ऐसे कंटिन्यूअस घूमेगा लेकिन अगर वो सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ जैसे जैसे अपवर्ड जाएगा तो ये सब उसकी एक्साइटेड स्टेट है तो ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये फोर्थ और ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है। ओके स्टूडेंट्स तो ऐसे आपको वेव कंटिन्यूअसली मिलता है अगर फर्स्ट में है तो देख लो ऐसे आपको वेव मिलेगा लेकिन सेकेंड थर्ड वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है देख लो जैसे जैसे अपवर्ड जाते हैं वैसे वेवलेंथ पता है ना ये डिस्टेंस या तो फिर ये डाउनवर्ड वाला डिस्टेंस। अब क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट इनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स को। तो स्टूडेंट्स देखो n इक्वल्स 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए साई 1 देन साई 2 देन साई 3 देन साई 4 अप टू इंफिनिटी तो ये लेयर आपको कंटिन्यूअसली मिलेंगे। तो हर एक का देख लो ग्राफ ऐसा मिलता है आपको इसका ऐसा इसका ऐसा इसका ऐसा हियर साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव तो जैसे जैसे हम अप जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी। हियर साई डजंट कैरी एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस लेकिन साई स्क्वायर का मीनिंग है ये स्टूडेंट्स आगे आएगा आपके सिलेबस में ही है। अगर मैंने साई वन स्क्वायर लिया साई टू स्क्वायर लिया या साई थ्री स्क्वायर लिया तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह पे होगा वो एग्जैक्टली हम फाइंड आउट कर पाएंगे दैट इज अवर प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ओके ये साइज वन स्क्वायर साई टू स्क्वायर साई थ्री स्क्वायर और क्या इंडिकेट करता है इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से जगह पे ज्यादा है। तो देख लो यहाँ पे न्यूक्लियस तो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे वो पाथ के जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है दैट इज नोन एज एन ऑर्बिटल। ओके तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के जो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी मिलती है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल। चल अब ऑर्बिटल वेव फंक्शन और एटॉमिक ऑर्बिटल तो ये आपको ऐसे दिखेगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। यहां पे मल्टीपल ऑर्बिटल्स मतलब ये पूरा ऑर्बिट है तो उसके अंदर सब ऑर्बिट्स होती है उनका नाम है सब शेल या तो फिर ऑर्बिटल। ओके तो देखो ये पूरी ऑर्बिट है तो उसके अंदर ऑर्बिटल होंगे। अब ये जो फॉर्मूला है ये अगर हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगाए तो देखो हाइड्रोजन He1+ और Li2+ तीनों के लिए हमें ऐसा मिलेगा कि सब तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन ही है। अब हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके और बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो फॉर्मूला है इसके लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके हाइड्रोजन में देख लो लिथियम में देख लो इन दोनों के बीच में आपको ये जो एक्स्ट्रा रीजियन पार्ट देख ला है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका नाम है नोड और नोडल प्लेन। तो ये जो फॉर्मूला है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही अप्लीकेबल है। बोरॉन कार्बन फ्लोरीन मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके तो क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हर दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए तो यहां पे इन सब के लिए सिर्फ एक क्वांटम नंबर नहीं उसके लिए दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसके लिए जरूरी है और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड फोर्थ इज अ स्पिन क्वांटम नंबर।